हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ओप्पो मोबाइल में फाइल मैनेजर ओपन नहीं हो रहा है, ऑटो बैक हो जा रहा है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐप्स नाम का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं वहाँ पर आप आ जाएंगे, इसी सेटिंग में आपको भी आना है। फिर अब नीचे आकर माय फाइल्स वाले ऐप को खोजना है, माय फाइल्स नाम से होगा। तो यहाँ पर है देखिए माय फाइल्स, इस ऐप पर क्लिक कर देना है, नीचे यहाँ पर है। फिर यहाँ पर फोर्स स्टॉप नाम का ऑप्शन मिलेगा, फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना कर लेने के बाद यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए क्लियर डाटा और क्लियर कैच नाम का ऑप्शन है, तो देखिए क्लियर डाटा पर क्लिक करके ओके कर देना है। देखिएगा इस क्लियर डाटा पर क्लिक करने से आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ भी आपका डिलीट नहीं होगा। तो आप क्लियर डाटा पर क्लिक करके ओके कर देना, देखिए मैंने कर दिया। फिर आ जाना है बैक होम स्क्रीन पर। अब आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं, जो माई फाइल्स वाला ऐप है ऐप पर कुछ सेकेंड के लिए टच करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ से फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके ओके कर देना, फोर्स स्टॉप कर देना, जो कि मैंने अभी कर रखा है। फिर स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करके क्लियर डाटा कर देना। तो गाइस आप कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से करें या फिर सेटिंग से जाकर। फिर आप अपने फाइल वाले ऐप को ओपन करना, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब हम क्लिक करते हैं, देखिए ओपन हो चुका है। फिर से बैक आते हैं, एक बार फिर से ओपन करते हैं, देखिए जो भी प्रॉब्लम थी सही हो चुकी है। तो इस तरीके से आप भी ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।